लगनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। जो संवेदनशीलता हम में है और जो आपके हिमालय सी समस्याएं हैं, तो बीच में एक उम्मीद की किरण निकलेगी और वो आपके विश्वास को अखबार के बारे में क्या कहना, सबसे बड़ा उपमा इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया जो कहना। अकबर इलाहाबादी में दिया था जब निहत्ते हिंदुस्तानी अंग्रेजों से लड़ रहे, कहा इसके पास हम लोगों के पास क्या था, सम्मान दिया गया। मैं एक बधाई दूंगा कि COVID-19 ये कोई साधारण विषय नहीं, ये असाधारण विश्वव्यापी असाधारण विषय है जिस पर शोध आज भी जारी। तरक्की के सबसे बड़े पैदान पर खड़ा होने वाला भी आज अपनी वैज्ञानिक ताकत से ये शोध करके सुनिश्चित नहीं हो पाया है कि इससे आगे कैसे बढ़ा जाए। जब ये प्रारंभ हुआ उस काल से आज तक का चिंता करो तो शंका और आशाओं पर चीजें चली कि कोविड का लक्षण पर ही आप कितना बहस हो गया कि कोविड का लक्षण क्या होगा। मैं कुछ दिन पहले अपने कुछ दोस्तों को यह कह रहा था, एक सेमिनार कुछ कार्यक्रम था, कि मैं शुरुआती तौर पर मीडिया के माध्यम से जानकारी मिला, मीडिया के माध्यम से बताया गया और वो जहां ये प्रारंभ हुआ वो चाइना से प्रारंभ होकर यूरोप होते हुए अमेरिका होते हुए फिर आया। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि लिफ्ट ये बीमारी ऐसा है जो एरोप्लेन से आया भाई साहब, इसके आने का भी प्लेन से आया है। तो जब आया ये तो इसके परिचय क्या था, लेकिन जब पत्रकारों की बात आती है समस्या की तो सारे लोग हम लोग अपना जो है एक तरफ कर देते हैं और सब लोग लड़ते हैं और जब कर लड़ते हैं तब तक ये अधिकार ना मिल जाए, और उसी की एक कड़ी हमारी भी संस्था है। तो हम लोग ये बताना चाहेंगे कि आज का ये जो कार्यक्रम है ये संस्था एक वेलफेयर कमेटी है, इसलिए हमने तय किया कि हमारे रांची और आसपास के क्षेत्र के कुछ ऐसे समाज सेवी जिन्होंने कोरोना काल में काफी मेहनत की है, लोगों को बचाने का काम किया, उनकी भूख मिटाने का काम, जो किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज की बात की गई वो मेरे संज्ञान में है। एडी कटेगा नहीं यार, और भी लोग ले लेगा ना। आने वाले दिन में विभागीय पदाधिकारी आपको सकारात्मक प्रयास करते हुए नजर आएंगे, जल्द ही इस इलाके को देखते हैं कि उत्पादन किस स्तर पर है, कोल्ड रूम की जरूरत है या कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है, जिस चीज की भी जरूरत होगी प्राथमिकता होगी वो पूरा किया जाएगा। हर हाल में सब्जियों के संरक्षण के उपाय में मीडिया जो भूमिका निभा रही है इस समय में वो काफ़ी काफ़ी उनका जो योगदान है इस लोकतंत्र के लिए वो काफ़ी अहम है, और वो जो जनता की जो समस्याओं को जो हर क्षेत्र की समस्याओं को सामने लाती है निसंदेह उसके लिए बहुत बहुत पूरी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया से, और यहाँ जो मीडिया बंधुओं के लिए जो उनकी सुरक्षा को लेकर जो कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं जो सरकार के सामने रखे गए हैं, निसंदेह वो वाजिब भी है क्योंकि उनके पीछे भी परिवार होता है और उनके मीडिया बंधुओं के लिए कोई भी ऐसा योजना नहीं है कि उनके जाने के बाद अगर किसी प्रकार का जो किसी प्रकार से एक्सीडेंट हो जाता है या फिर असामाजिक दुर्घटना हो जाती है तो उनके पीछे भी परिवार होता है, उनके ब्रेड बटन की समस्या उत्पन्न होती है। तो निसंदेह यह बहुत ही अच्छी पहल थी और मैं दिल से शुभकामना देता हूँ कि यह पहल आगे भी उनके लिए एक जो है कानून के रूप में आए और तमाम मीडिया बंधुओं को यह इस प्रकार का समागम करने के लिए बहुत शुभकामना दे। जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।